हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अपनी पीपीटी को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं विद और विदाउट नरेशन। इस बार इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होती हैं उनको एज एन इमेज भी सेव कर सकते हैं। कई बार हमें अपनी इमेजेस को यूज़ करना होता है किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, हमें उसको कस्टमाइज़ करके वीडियो बनाना होता है जो कि हम WMV फॉर्मेट में नहीं बनाना चाहते, हम उसको MP4 में बनाना चाहते हैं, या हम उसको वीवा वीडियो या ओपन शूट ऐसे किसी सॉफ्टवेयर में अलग से कस्टमाइज़ करके बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी जो PPT स्लाइड्स हैं उनको एज एन इमेज सेव करना होता है। तो अगर आप मोबाइल से करोगे तो आपको 111 इमेज करना पड़ेगा, बट कंप्यूटर में ये फैसिलिटी है हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कि हम इसकी सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं उनको एक साथ एज ए JPG इमेज सेव कर सकते हैं और उसके बाद एक फोल्डर बना सकते हैं। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं हम फाइल मेन्यू पर जाएंगे। जब हम फाइल मेन्यू पे जाते हैं, सेव एंड सेंड पे हमने क्लिक करना है। व्हेन वील क्लिक ऑन सेव एंड सेंड, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू क्रिएट अ वीडियो फ्रॉम दिस वेरी ऑप्शन। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमने अपनी फाइल को JPG बनाना है। तो हम क्लिक करेंगे चेंज फाइल टाइप पे। जब आप चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और JPEG फॉर्मेट। आप चाहो तो इसमें भी इसको सेव कर सकते हो। इसमें आपका प्रिंट क्वालिटी इमेज जो है फाइल्स वो उस अकॉर्डिंग हो जाती हैं, और इसमें आपकी जो है JPG की अकॉर्डिंग आपकी फाइल फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। तो मैं अभी JPG पे क्लिक करूँगी, JPG पे नाउ सेव एस। अब मुझे एक इंटरफेस, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे मैं उसको EMG नेम दूंगी, और मैंने इसकी जो डेस्टिनेशन है वो डेस्कटॉप पे ही करनी है। सेव एवरी स्लाइड, इट आस्क अस कि हमें सिर्फ करंट स्लाइड को इमेज में सेव करना है या एवरेज स्लाइड। तो आई क्लिक ऑन एवरी स्लाइड। नाउ इट हैज बीन सेव्ड एज अ सेपरेट फाइल। ओके, नाउ हम उसको चेक करेंगे। सो वी वुड मिनिमाइज दिस एंड वी विल सी वेयर आर फोल्डर हैज गॉन। इमेज हेयर इट इज। When we'll check it, it automatically makes it a folder, and हमारे उस फोल्डर में ये देखिए हमारी वो सारी जो हैं 1, 2, it will take a bit of time, 1, 2, 3, 4 करके हमारी ये जो सारी images हैं वो यहाँ पर appear हो जाएंगी। See this, slide 2, slide 3 and slide 4। तो इस तरह से हम अपनी जो है PPT की सारी स्लाइड को easily JPEG फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनसे आप डायरेक्टली सारी अपनी हर तरह की फाइल्स को डिफरेंट तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।